हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा शर्मा .6660। तो हम अभी सोचे जो कुछ थोड़ा वीडियोस मतलब शूट करेंगे, फिर अपलोड भी करना है। तो सिर्फ सोचना ही है, करना कुछ नहीं, क्योंकि कभी बारिश होने लगता है तो कभी बहुत ज़्यादा धूप। वीडियो बनाने का मतलब मूड क्या, मतलब अच्छा नहीं लगता। वीडियो बनाऊं कैसे इतना धूप में, जब ज़्यादा धूप होता है इतना धूप में बनाएंगे, जब ज़्यादा बारिश होता है इतना बारिश में बनाएंगे, ठंड लग जाएगा, जुकाम हो जाएगा, ये वो बहुत सवाल होता है। तो हम जब भी सोचते हैं ना जो, हाँ आज कुछ बाहर में जाके या छत पे जाके वीडियो बनाएंगे, जब भी सोचा हूँ तब ही यही हुआ है मेरे साथ। मतलब बारिश होना, अगर घर से बाहर निकलने जाए तो बारिश होना, और घर का अगर छत पे सोचेंगे करेंगे वीडियो शूट करेंगे, देखते धूप हो जाता है। और ऊपर में जो खरगोश रखे हैं वो लोग तो बहुत ज़्यादा मतलब गंदा करके रखा है, उसका साइड से इतना गंदा स्मेल आता है ना, बहुत गंदा। मतलब उन लोगों को ना हम हफ्ते में एक बार करके नहलाते हैं, एक बार हफ्ते में, और अगर बारिश होता तो नहीं नहलाते हैं, क्योंकि वो अगर ठंड लग जाएगा तो मर भी जाएगा। क्यों मरेगा, चार है मेरा घर में छोटा छोटा। आप लोग पहले का वीडियो पे भी देखे होंगे मेरा घर का जो खरगोश है, और क्या, हाँ वो लोगों को अभी थोड़ा देर पहले हम खाना दे के आए हैं, हम खुद खाना खाए उसके बाद उसे खाना दे के आए, और कुछ नहीं। जब भी बोले ना सोचता हूँ वीडियो बनाऊँगा तो बस बारिश या धूप। तो आप लोग मेरा पहले वीडियो में भी देखे होंगे, हाँ हम क्या सरप्राइज़ दिए हैं, और मेरा मम्मी को तो पता भी नहीं था जो हम फ़ोन लेने जा रहे हैं। थोड़ा क्लू मिला था मम्मी को जो हम फ़ोन लेने जा रहे हैं, तो मम्मी पहले मुझे पूछी हाँ फ़ोन लेने जा रही है, तो हम बोले नहीं तो। मम्मी को भी नहीं पता था मेरे अकाउंट में पैसा है। तो हम गए वहाँ पे, पहले हम मतलब सोचे जो हम वो फ़ोन लेंगे या नहीं लेंगे, पहले ये सोचे, उसके बाद जा पहले हम डिसाइड किए थे आईफोन लेंगे, उसके बाद जाके डिसाइड किए नहीं आईफोन लेके वहाँ पे, मतलब चार्जिंग तो ज़्यादा रहेगा नहीं वहाँ पे, 3500 या 3700 कुछ ऐसा था उसका बैटरी चार्जिंग। तो हम सोचे आईफोन 11 लेने से अच्छा हम वीवो का ही सेट ले लेते हैं, क्योंकि वीवो का सेट में मुझे ज़्यादा मतलब बैटरी भी मिलेगा और रैम रोम भी अच्छा मिलेगा इस वजह से। तो इसलिए हम वीवो का लिए है फ़ोन, और हम पहले से वीवो का फ़ोन यूज़ करते थे तो मुझे पता है वीवो का मतलब पूरा सेटअप मुझे पता है, तो इसीलिए हम ज़्यादातर वीवो का ही लेते हैं फ़ोन। और मेरे घर में भी कोई अगर बोलता है ना जो हम किस कौन सा फ़ोन ले, अगर मुझे पूछता है तो हम बोलते हैं हाँ वीवो का ही फ़ोन लीजिए। तो मेरा घर में मुझे जो कोई भी पूछा है हम सभी को एक ही बोला है वीवो का फ़ोन लीजिए, क्योंकि वीवो का बहुत अच्छा मतलब हर एक चीज़ अच्छा है, बहुत अच्छा सेटिंग है। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा मुझे मतलब वीवो के बारे में बहुत पता है, क्योंकि हम पहले का मेरा जो फ़ोन था ना उस फ़ोन में हम पूरा सेटअप खुद किए थे, इस फ़ोन में भी हम खुद सेटअप किए पूरा। और मेरा घर के सामने भी एक चाची है तो वो भी मेरे से ही सेम फ़ोन लिए, तो उनको नहीं पता था सेटअप फ़ोन का पूरा कैसे करे, तो मेरे पास फिर लाया तो हम उसको पूरा सेटअप करके फिर दिए। तो फिर अभी वो भी चला रही है, हम भी चला रहे हैं, बट हम जो फ़ोन लिए ना मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रहा था, क्योंकि पहले हम जब लाए तो मुझे तो बहुत डांट पड़ा, बहुत डांट मम्मी से, मेरे पापा को पता भी नहीं था हम फ़ोन लेने जा रहे हैं, और मेरे पापा देखा भी नहीं तब, पापा को पता ही नहीं उस दिन रात को। उसके बाद दूसरा दिन हुआ सुबह जब हम दुकान गए ये फ़ोन लेके, तो मेरा चाचा का जो लड़का है वो पापा को बोल रहे पापा दीदी ने न्यू फ़ोन लिया है। तो फिर पापा मेरा फेस देखते कुछ नहीं बोला, हम बोले चाह कुछ बोला नहीं बच्चे हम, लेकिन मम्मी बहुत बोली जो फ़ोन लेने का ज़रूरत क्या है, क्यों लेना, नहीं लेने होगा फ़ोन तो है। बट मुझे वो फ़ोन भी बहुत अच्छा, मतलब हम 3 साल वो फ़ोन यूज़ किए हैं, थोड़ा सा भी कुछ नहीं हुआ है, बहुत अच्छा फ़ोन है, उसमें रैम रोम भी कम था फिर भी वो फ़ोन बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा, हम बहुत दिनों तक चलाए हैं। और हर कोई जो बोलते हैं ना लड़कियां फ़ोन बहुत
बहुत अच्छे से रखता है बोलता है, तो ये बात सही है क्योंकि लड़कियां अपना हर एक चीज फेंक देगा लेकिन फोन कहीं इधर उधर नहीं फेंकेगा। बट हम ऐसी लड़की है कि हम अगर चार्जिंग लगा के चले जाए तो बस हो गया, भूल अगर भूल गए फोन तो वहीं पर रह गया, इस तरह है। और मतलब सब लड़कियां मुझे एक ही बात बोले हैं, मेरा जितना भी फ्रेंड है, जो आप गोलगप्पे क्यों नहीं खाते हो, तो मुझे गोलगप्पा पसंद नहीं है। तो सभी कोई बोलता है हाँ इस तरह कोई लड़की नहीं है जो गोलगप्पा खाना पसंद नहीं करता है, बट हम नहीं करते, मुझे अच्छा नहीं लगता वो चीज़। मुझे मोमो बोलो हाँ मोमो खा लेंगे, मोमोज और आइसक्रीम चॉकलेट ये सब खा लेंगे, बट मुझे गोलगप्पे खाना पसंद नहीं है। मेरा घर में सब कोई मुझे बोलते हैं तुमको मतलब क्या बोलेंगे, तुम क्या खा के पैदा हुई है, इस तरह से। क्योंकि हम गोलगप्पा पसंद नहीं करते, उन लोगों को पसंद आता है, तो वो लोग अगर बोलते हैं हाँ चलो बाहर जाते कहीं खाने, तो हम बोलते हैं मुझे नहीं जाना क्योंकि मुझे गोलगप्पा खाना ही नहीं है, रोल ये सब खा लेते बट वो नहीं खाते हैं। तो मेरा जो डांट इतना पड़ा है ना घर में, उसके बाद फिर कुछ नहीं बोला, उसके बाद मम्मी को बोले मम्मी सेल्फी लेना तो मम्मी के साथ सेल्फी लिए थे, भाभी और मेरा भतीजी जो है डुगू उसके साथ भी सेल्फी लिए थे। उसके बाद जाके उस दिन सिर्फ मेरे चाचा को पता था फ़ोन लिया है, और मेरा मम्मी और मेरा भतीजी और मेरा भाभी, ये इन हाँ इन लोगों को ही पता था और किसी को नहीं पता। आ नहीं, और एक अंकल है दुकान में जो रहते हैं वो अंकल को पता था, बाकी किसी को नहीं पता था हम फ़ोन ले रहे हैं तो जब हम पूरा सेटअप कर लिए अपना फ़ोन का, उसके बाद जाके दूसरा दिन सभी को दिखाए मेरा फ़ोन, तो सभी को बोला जो क्यों किस लिए ली, मेरा दादी का मेरे चाची का सभी का यकी है मतलब क्यों फ़ोन ली, तुम्हारे पास तो फ़ोन था फिर भी क्यों ली। तो हम बोले मेरा वो फ़ोन से मतलब ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा था, मतलब 3 साल एक फ़ोन चलाया, मतलब सोच सकते हो हम, लेकिन वो फ़ोन में इत्तू सा भी कुछ नहीं हुआ। तो वो फ़ोन भी बहुत लकी था मेरे लिए, वो फ़ोन से ही हम मतलब इतना आगे आए हैं और आप लोगों से मिले हैं, क्योंकि हम जो इंस्टा चलाते हैं यूज़ करते हैं इंस्टा, तो वो मेरा शौक से, हम वहाँ पे कुछ पैसे इनकम के लिए नहीं करते हैं, वो मेरा शौक है, शौक से हम पिक अपलोड करते हैं या वीडियोस अपलोड करते हैं अभी, लेकिन हम अपना मर्जी से हम सोचते हैं कुछ करना है मुझे आगे जाके, तो इसीलिए हम सोचे मुझे यूट्यूब पे मतलब सभी से कुछ ना कुछ बातें शेयर करना एंड सभी से बातें करना बहुत अच्छा लगता है, तो हम सोचे यूट्यूब पे ही क्यों ना बातें किया जाए सबसे। इस वजह से हम यूट्यूब मतलब मेरा चैनल तो बहुत पहले 3 साल पहले, मतलब सोच लो 3 साल पहले मेरा चैनल ओपन हुआ, लेकिन हम तब से सोचे भी नहीं थे जो यूट्यूब में कुछ अपलोड करे या कुछ भी, बट अभी सोचते हैं नहीं यूट्यूब पे भी अपलोड करके देखते हैं, अगर उधर से कुछ मुझे इनकम हुआ तो और भी अच्छा बात है, क्योंकि हर मतलब बहुत कोई बहुत काम करते हैं, हर कोई मतलब घर पे पैसे नहीं मांगते हैं, जैसे हम घर पे पैसे नहीं मांगते क्योंकि मुझे कुछ बाहर का कुछ लेना ही नहीं है इसलिए, और मेरा रिचार्ज जो होता है वो मेरा पापा ही डाल देते हैं रिचार्ज, तो मेरा उतना टेंशन नहीं रहता जो हाँ रिचार्ज का पैसा कहाँ से लाऊँ तो ये कहाँ से लूँ, ये सब का मेरा कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि जब मन तब घर में पैसा देते हैं मुझे मेरा हाथ में जो हाँ ये मेरा कुछ भी लेना हो तो ले सकते हैं, और रिचार्ज तो पापा कर ही देते हैं तो मुझे कोई टेंशन नहीं रहता। मेरा ही एक फ्रेंड है जो मुझे बोलती है मुझे एक काम ढूंढ के दो, तो हम बोले मेरे पास तो कुछ काम कहाँ, हम तो घर पे ही रहते हैं, तो वो तो फिर भी मतलब घर से बाहर जाती है, हम वो भी नहीं जाते घर से बाहर, मतलब घर में रहते हैं या दुकान में रहते हैं और कहीं नहीं जाते, हम बहुत कम जाते हैं मतलब बहुत बहुत ही कम, तो 100% में 99% हम घर में रहते हैं और 1% हम बाहर कहीं जाते हैं। तो हम बोले हम कहाँ से मतलब उन लोगों को ढूंढ के दे कुछ काम,
तो हम बोल रहे क्यों ये काम, मतलब उसे हम पूछे जो क्यों करना, तो वो मुझे रीज़न बताया जो हाँ जो कहीं अगर जाना हो तो अपने हाथ में कुछ पैसा नहीं रहता है। उसके बाद बताया जो रिचार्ज रिचार्ज का प्रॉब्लम होता उसका, तो हम बोले हाँ जब उसको रिचार्ज का प्रॉब्लम होता तो उसको कुछ तो काम करना ज़रूरी है, क्योंकि मुझे रिचार्ज का प्रॉब्लम नहीं होता इस वजह से हम कुछ काम नहीं करते हैं, सिर्फ इतना काम करते हैं घर में रहते हैं, मन हुआ तो दुकान जाते हैं, अगर अगर कोई नहीं रहा दुकान में तो दुकान जाते हैं हम, और बाकी टाइम घर में ही रहते हैं और वीडियोस बनाते हैं, और मेरा जो डुग्गू है उसके साथ खेलते हैं, उसको पढ़ाते भी है, उसको मतलब जब जो टाइम उसको पढ़ाना चाहिए वो उसके लिए हर एक टाइम अलग अलग है। तो आप लोग मुझे पहले भी बहुत सपोर्ट किए हो, हम अभी भी बोल रहे हैं आप लोग इतना ही मुझे सपोर्ट करते रहो, आगे भी करना और अभी भी करो। ओके तो आप लोग मेरा ये पूरा वीडियो देख के बताना कैसा था मेरा वीडियोस पूरा ब्लॉग, और लाइक कमेंट शेयर करना तो भूलना ही नहीं, और मेरा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और अगर आप लोग बोलते हो और भी न्यू न्यू ब्लॉग कहीं बाहर जाने का तो वो हम सोचेंगे, अगर आप लोग मेरा अकाउंट को मोनेटाइज करो तो, अगर आप लोग मेरा वॉचिंग टाइम कंप्लीट करो तो हम मतलब घर में बोल के बाहर भी जा सकते हैं, वरना अभी क्या बोलेंगे, क्या क्यों जा रहे, किस वजह से जा रहे, तब बोल सकेंगे नहीं मुझे बाहर जाना है वीडियो बनाने को, तो तभी मुझे जाने भी देंगे जितना हो बट अभी वो भी नहीं देंगे। तो जितना जल्दी हो आप लोग मेरा अकाउंट को मोनेटाइज करने का कोशिश करो, तो आप लोग मेरा घर के बाहर का भी जो व्यूज़ है वो भी देख सकते हो, यहाँ बोलपुर का जो भी व्यूज़ है। ओके तो अभी बाय, टाटा, सी यू, और फिर बाद में बातें होगा, तो अभी बाय। बट मेरा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और लाइक कमेंट शेयर करना तो भूलना ही नहीं।